गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, जिसमें हमारे पास टॉपिक क्या है, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब कि हमें ये बताना होगा कि हमारे पास कोई नंबर दिया होगा, हमें ये बताना है बिना डिवाइड किए कि वो नंबर 2 से 3 से 4 से जो नंबर हमें दिया हो, जिसकी डिविजिबिलिटी हमें बतानी होगी, बिना डिवाइड किए हमें बताना होगा कि वो नंबर उससे डिवाइड होता है या नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रूल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, अगर कोई नंबर दिया हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें नंबर दे दिया 2, 4, 6, 7, 8। अब हमें ये कह देंगे कि ये नंबर बताओ 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता बिना डिवाइड किए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 2 से डिवाइड का बताना है हमें, तो उसके लिए क्या रूल होता है, जब किसी नंबर में वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, इनमें से कोई भी नंबर हो वंस डिजिट पे, तो वो हमारा नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। जैसे हमारे पास इस नंबर में क्या है, 8 है, तो 8 हमारा क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होता है, तो इट मीन्स ये होल नंबर जो हमारा है 2 से डिवाइड होगा। जब किसी नंबर में वंस डिजिट में, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 कोई भी नंबर आपको मिल जाए, वो नंबर किससे डिवाइड होगा, ऑलवेज 2 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं हम 3 की। जब हमें कोई नंबर दे दे और हमें कहें कि बताओ कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। ठीक है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स, कि किसी भी नंबर्स के, कोई भी नंबर दिया हो उनका सम किससे डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें दे दें 1881। अब ये कहता है कि हमें ये बताओ कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा बिना डिवाइड के, तो फिर सम ऑफ ऑल डिजिट्स मतलब कि इनका सम, लाइक 1 + 8 + 8 + 1, ऐसे इनका सम। ठीक है, 8 और 1 9 9 और 1 10 10 और 8 18। ठीक है, इनका सम क्या आ गया हमारे पास, 18 आ गया। डिजिट्स का सम यानी कि डिफरेंट डिजिट का सम, सम मींस उनका प्लस। अब 18 देखो, 18 हमारा 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, तो 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18। अब देखो इनका, इनके डिजिट्स का प्लस हमारा किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो इट मीन्स ये हमारा होल नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। किससे होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं 4 की। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 4। जब उसकी लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड हों, 4 से डिवाइड हों। किससे डिवाइड हों, 4 से डिवाइड हों। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें देते 2, 4, 8 और 8। ठीक है, लास्ट टू डिजिट मतलब वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स होंगी उनका सम। 8 + 8 क्या होगा, 16। क्या होगा, 8 + 8 क्या होगा, 16। अगर ये दोनों किससे डिवाइड हों, 4 से डिवाइड हों। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16। अब ये पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये उठा लिया 1881, ये वाला एग्ज़ाम्पल। ठीक है, इसके लास्ट 2 डिजिट यानी कि 8 + 1 9। अब 9 है जो हमारा 4 के टेबल में नहीं आता, तो इट मीन्स ये हमारा 4 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 5 नंबर की बात करते हैं। 5 पे जो डिविजिबल होंगे, ठीक है, वो कौन कौन से नंबर होंगे, जिनका वंस नंबर यानी कि वंस डिजिट हमारा 5 हो या 0 हो। ठीक है, जिसमें लाइक
हमारे पास ये दिया हो 185। अब ये बताओ कि हमारा ये 5 पे डिविजिबल है या नहीं है। तो हम देखते हैं वंस प्लेस ओनली, वंस प्लेस पे अगर 5 है या 0, ठीक है, और 0, 5 है या 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 6 की। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6, एक नंबर 6 से डिविजिबल होगा इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3। क्या कि वो नंबर पहले 2 पे और फिर 3 पे, दोनों पे डिवाइड होना चाहिए, फिर वो 6 पे डिवाइड होगा। अब 2 की कंडीशन हमें पता है, जिसके जिसका वंस डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, इनमें से कोई भी नंबर हो वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। और 3 की हमने रीड करी ली, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, ठीक है, जिसमें सम ऑफ डिजिट डिफरेंट डिजिट्स का सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे पास अब देखो फर्स्ट सम दिया हुआ है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। अब हमें ये बताना है कि हमारे पास ये जो नंबर्स दिए हुए हैं हमारे 2 से डिविजिबल हैं या नहीं है। जैसे इसमें दिया हुआ है 5, 6, 2, 8, 2, 0। अब हमें ये बताना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अब हम अपने रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, वंस नंबर पे, वंस नंबर पे हमारे पास क्या है, 0 है। और 2 के रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जिस नंबर में वंस डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो हमारा नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। अब हमारे पास यहाँ क्या है, 0 है, तो इट मीन्स ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखो दिया हुआ है 4, 6, 1, 4, 5। इसमें हमारे पास वंस डिजिट में क्या है, 5 है, क्या है, 5 है, तो इट मीन्स ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था कि 2 पे वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके वंस प्लेस पे क्या होता है, 0, 2, 4, 6 और 8। तो इस पे हमारे पास क्या है, 5 है, तो इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे ही ये 2 पार्ट्स हैं, ये आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। अब हमें ये बताना है कि 3 पे ये नंबर्स डिवाइड होते हैं या नहीं होते। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जैसे हमें क्या दिया हुआ है, 7, 4, 9, 1, 2, ठीक है। इसमें हमारे पास हमने 3 नंबर का क्या रूल पढ़ा था कि नंबर सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, तो 7 + 4 + 9 + 1 + 2, इनका प्लस सारी डिजिट्स का सम यानी कि ऐड। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे, 7 और 4 11 11 और 9 18 18, देखो 18 हमारा 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 6 = 18। अब देखो इनके डिजिट्स का प्लस हमारा किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो इट मीन्स ये हमारा होल नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। किससे होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं 4 की। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 4। जब उसकी लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड हों, 4 से डिवाइड हों। किससे डिवाइड हों, 4 से डिवाइड हों। फॉर एग्जांपल जैसे हमें देते 2, 4, 8 और 8, ठीक है। लास्ट टू डिजिट मतलब वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स होंगी उनका सम। 8 + 8 क्या होगा, 16। क्या होगा, 8 + 8 क्या होगा, 16। अगर ये दोनों किससे डिवाइड हों, 4 से डिवाइड हों, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 = 16। अब ये पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये उठा लिया 1881, ये वाला एग्ज़ाम्पल, ठीक है। इसके लास्ट टू डिजिट यानी कि 8 + 1 9। अब 9 है जो हमारा 4 के टेबल में नहीं आता, तो इट मीन्स ये हमारा 4 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा? 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? 5 नंबर की बात करते हैं। 5 पे जो डिविजिबल होंगे, ठीक है, वो कौन कौन से नंबर होंगे? जिनका वंस नंबर यानी कि वंस डिजिट हमारा 5 हो या 0 हो, ठीक है। जिसमें लाइक हमारे पास ये दिया हो 185। अब ये बताओ कि हमारा ये 5 पे डिविजिबल है या नहीं है। तो हम देखते हैं वंस प्लेस ओनली, वंस प्लेस पे अगर 5 है या 0, ठीक है, और 0, 5 है या 0 है, तो वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 6 की। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6, एक नंबर 6 से डिविजिबल होगा इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3। क्या कि वो नंबर पहले 2 पे और फिर 3 पे, दोनों पे डिवाइड होना चाहिए, फिर वो 6 पे डिवाइड होगा। अब 2 की कंडीशन हमें पता है, जिसका वंस डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, इनमें से कोई भी नंबर हो वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। और 3 की हमने रीड करी ली, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, ठीक है, जिसमें सम ऑफ डिजिट डिफरेंट डिजिट्स का सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे पास अब देखो फर्स्ट सम दिया हुआ है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। अब हमें ये बताना है कि हमारे पास ये जो नंबर्स दिए हुए हैं हमारे 2 से डिविजिबल हैं या नहीं हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 5, 6, 2, 8, 2, 0। अब हमें ये बताना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अब हम अपने रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, वंस नंबर पे हमारे पास क्या है, 0 है। और 2 के रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जिस नंबर में वंस डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो हमारा नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। अब हमारे पास यहाँ क्या है, 0 है, तो इट मीन्स ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखो दिया हुआ है 4, 6, 1, 4, 5। इसमें हमारे पास वंस डिजिट में क्या है, 5 है। क्या है? 5 है, तो इट मीन्स ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था कि 2 पे वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके वंस प्लेस पे क्या होता है, 0, 2, 4, 6 और 8। तो इस पे हमारे पास क्या है, 5 है, तो इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, नो इट इज़। अब हमारे पास सेकंड सम क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। 3 से हमें क्या बताना है कि ये नंबर्स हमारे पास डिवाइड हैं या नहीं हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सम क्या दिया हुआ है, 74,912, ठीक है। तो नंबर 3 का जो रूल था वो क्या था कि डिजिट्स का प्लस 7 + 4 + 9 + 1 और 2, जब हम इन्हें ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 23। अब देखो 23 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो इट मीन्स 23 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। जब यही नंबर हमारे पास 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इट मीन्स ये होल नंबर जो हमारा ये नंबर है वो भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से, ठीक है। अगर इनका प्लस 3 से डिविजिबल नहीं है या 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है हमें 5, 4, 1, 2, 1, 2। अब हमें बताना है कि 3 पे डिवाइड है या नहीं है, तो इनका क्या होगा, प्लस अलग अलग डिजिट्स का, तो क्या आएगा, 5 और 4, 9, 1, 10, 10 और 2, 12, 12 और 1, 13, 13 और 2, 15, 15। अब देखो 15 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, 3, 5 + 15, इट मीन्स ये क्या है, 15 क्या है हमारा, डिविजिबल बाय 3,
सो 5, 4, 1, 2, 1, 2 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये हमारा पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे क्या, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय 6। अब हमें ये बताना है कि ये 6 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। जैसे इसमें हमें फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट 34,920। ठीक है, अब हमें क्या, 6 का रूल क्या था 6 नंबर की डिविजिबिलिटी के लिए, कि हमें सबसे पहले ये चेक करना है ये 2 से डिवाइड होता है या 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें देखो, 2 के लिए हम क्या करते हैं, वंस प्लेस देखते हैं। वंस प्लेस में हमारे पास क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। तो लिखेंगे हम 34,920 इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ये 3 के लिए डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या क्या करते हैं हम, 4, 3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका प्लस, तो इनका प्लस चेक करते हैं हम। तो 4 और 3, 7। 7 और 9, 16। 16 और 2, 18। 18 में हमने 0 प्लस की 18। तो 18 हमारा क्या होगा, 3 से डिवाइड है, 3 के टेबल में आता है। तो इट मीन्स 3 आता है, तो 3, 6, 18 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो लिखेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। सो 34,920 इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ऐसे हम चेक कर लेंगे, बाकी पार्ट्स सेम है। ते हैं हम 4, 3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका प्लस, तो इनका प्लस चेक करते हैं हम। तो 4 और 3, 7। 7 और 9, 16। 16 और 2, 18। 18 में हमने 0 प्लस की 18। तो 18 हमारा क्या होगा, 3 से डिवाइड है, 3 के टेबल में आता है। तो इट मीन्स 3 आता है, तो 3, 6, 18 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो लिखेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। सो 34,920 इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ऐसे हम चेक कर लेंगे, बाकी पार्ट्स सेम है।